नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। छात्र ने लगाया प्रिंसिपल पर मारने का आरोप, तो प्रिंसिपल ने किया आरोप का खंडन। महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरदहा बाजार में स्थित तपेश्वरी इंटर कॉलेज के प्रांगण में गत दिनों वैक्सीनेशन के बीच एक छात्र की विद्यालय प्रांगण में ही जमकर पिटाई हो गई। घायल छात्र महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव के दलित बस्ती का निवासी है। घायल छात्र का आरोप है कि पहले उसकी मोबाइल पर वैक्सीनेशन का मैसेज भेजकर कोरोना की सुई लगाने के लिए बुलाया गया। जब वह स्कूल में पहुंचा तो महज उसकी गलती इतना थी कि वह ड्रेस में नहीं था, जिसकी पूछताछ में वाद विवाद बढ़ा और विद्यालय परिवार द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई। यह आरोप लगाते हुए पीड़ित ने महाराजगंज थाने पर न्याय की गुहार लगाई, किंतु वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में जब मीडिया ने कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर लगाया गया आरोप निराधार है। यह जरूर है कि बिना ड्रेस का जब हमने देखा तो पूछताछ की तो उसे डांट फटकार लगाई, और जब हमें पता चला कि वह विद्यालय का छात्र नहीं है तो उसे यहां से भगा दिया। उधर दूसरी तरफ जब हम इस संबंध में थाना महाराजगंज से संपर्क किया गया तो थाने का नंबर व्यस्त जा रहा था और कोई जवाब नहीं मिला। मामला कुछ भी हो, अगर पुलिस इस घटना को संज्ञान में नहीं लेगी तो आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस घटना से क्षेत्र में काफी तनाव व्याप्त है। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में, जहां दलित बस्ती का एक छात्र तपेश्वरी इंटर कॉलेज का स्टूडेंट बता रहा है कि उसे किन्हीं कारणोंवश वहाँ के प्रिंसिपल और स्टाफ मिलकर मारे पीटे हैं। आइए जानते हैं मामला क्या है। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? अनिल। अनिल जी, क्या मामला, क्यों आप मार खाए हैं? सर, फोन पर मैसेज आया था कि वैक्सीन लग रही है यहाँ पर, तो सर हम लोग गए थे वहाँ पर वैक्सीन लगवाने, तो सर ड्रेस नहीं पहने थे, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे वो हम लोगों तीनों को बुलाए कि इधर ड्रेस क्यों नहीं पहने हो, तो सर मैंने कहा कि मेरा ड्रेस भीगा है, तो सर इसी पर लगे मारने, तो सर बहुत ज़्यादा जब मार दिए, सर मैंने सच बता दिया कि यहाँ पर नहीं पढ़ता हूँ, तो सर मैं 11th में वहाँ पर पढ़ा था, फिर उसके बाद फिल कर दिया था, वहाँ सर नाम कटाकर कहीं और लिखवा दिए, वही किए थे सर। उसके बाद सर और लगे मारने के यहाँ पर नहीं पढ़ते हो, क्यों नाम कटा लिए सर, इस पर और लगे मारने सर, फिर जात पूछे हमारे, फिर जात पूछ कर भी बहुत मारे सर, मैं अपना हाथ छुड़ा कर जा रहा था सर, उन्होंने सर फिर दौड़ाकर सर वहाँ पर पटक कर सर बहुत मारा सर। दो लोग और थे, एक चपरासी थे और एक और सर थे, उनका नाम नहीं जान रहा हूँ। चपरासी का नाम क्या पड़ेगा? चपरासी का नाम कंफर्म नहीं जानते। और प्रिंसिपल साहब का नाम? श्री दिनेश प्रताप सिंह। आप इसके बाद महाराजगंज थाने पे गए थे अपनी गुहार लगाने? जी सर। पुलिस ने क्या कहा? कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। एप्लीकेशन आपने थाने में डाला है? हाँ डाला, आज 5वां दिन है लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हमको सर सुथरा इंसान मिले। पिताजी कहाँ हैं आपके? दिल्ली। माताजी? मर गई। आप अकेले हैं या घर में कोई और है? चाचा। आप लोगों ने सुना अनिल कुमार के जरिए कि किस तरह से इसको मारा पीटा गया है। मामला क्या है ये तो हम बात करेंगे वहाँ के प्रिंसिपल से भी कि आखिर क्यों इस तरह से मतलब कि प्रताड़ना दी गई इस बच्चे को। आइए सीधे चलते हैं हम तपेश्वरी इंटर कॉलेज के प्रांगण में, जहाँ प्रिंसिपल से हमारी बात होगी। आरोप आ रहा है आपके ऊपर कि इस विद्यालय का कोई छात्र था जो वैक्सीनेशन के दिन आया था टीकाकरण कराने के लिए, अनिल सिंहपुर का, उसे मारा पीटा गया प्रिंसिपल और चपरासी द्वारा, वहाँ तक सच है? बिल्कुल झूठा और निराधार आरोप है। जिस दिन वैक्सीनेशन की बात हो रही है, जिस दिन की घटना का उल्लेख किया है और तारीख 12 की है, विद्यालय के बच्चे और बच्चियों के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था, अचानक तीन बच्चे आए छोटे वाले गेट से लेकर, वो मूलतः इस विद्यालय के छात्र ही नहीं, वो बिना ड्रेस में थे और अचानक आकर के बच्चियों की पंक्ति में खड़े हो गए, मोबाइल वोबाइल निकालने लगे, तो हम लोग गए बुलाए, मैं खुद गया बच्चों को बुलाया, उनसे पूछा किस क्लास में पढ़ते होते, एक ने कहा 12 में, हमने कहा 12 का सेक्शन बता दो, क्योंकि 1-to-1 क्लास वाइज उनकी हाजिरी हो रही थी, हमको 100% डाटा देना था कौन बच्चा कितने वैक्सीनेट हुए नहीं हुए, तो उसने कहा कि हमने सेक्शन पूछा, उसने कहा हम 12 में नहीं पढ़ते, दूसरे वाला कहा 11 में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा 11 किस सेक्शन पढ़ते वही बता दो, तीसरा वाला कह रहा है हम यहाँ नहीं पढ़ते केवल सुई लगवाने आए, तब क्यों सुई लगवाने आए भाई, यहाँ पढ़ते ही नहीं, तो स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम बाहर जब लगेगा लगवा लेना, तो उसने कहा लगवाएंगे, तो हमको थोड़ा खराब लगा, हमने कहा बदमाशी कर रहे हो तो मारेंगे भी एक झापन,
तब तक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझको बहुत खराब लगा। इसके बाद हाथ झटक के मैंने छुड़ाया तो बच्चा यह कहते हुए भगा के रुक अब तो दवाई करत थी। हाँ सर, जैसा कि बच्चे बता रहे थे कि उनकी मोबाइल पे यहाँ से मैसेज गया था टीकाकरण कि इस विद्यालय में लग रहा है आप लगवा। नहीं, यहाँ से कोई मैसेज नहीं गया था और न वहाँ के छात्र हैं। जब यहाँ के छात्र ही नहीं हैं तो मैसेज जाने नहीं जाने को सवाल ही नहीं पैदा होता। पता कर लीजिए विद्यालय। जैसा कि आपने देखा कि प्रिंसिपल साहब विद्यालय के तपेश्वर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री दिनेश सिंह ने बताया कि वह बच्चा यहाँ का छात्र नहीं है, साथ ही साथ कुछ उदंडता किया जिसके कारण उसको एक तमाचा मारा गया, लेकिन वो धमकी देते हुए भाग रहा था और वह यहाँ का छात्र भी नहीं है। न्यूज 9 भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ रोशन लाल।